ऊपर वाले ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इंसान एक दिन वक्त अपनी कलाई पर बांध कर घूमेगा और उसके बावजूद पल पल वक्त की कमी को भी कोसेगा। एक युग था जब चढ़ते सूरज से वक्त का पता लगाया जाता था। आज एनालॉग के साथ साथ डिजिटल ऑप्शंस भी मौजूद हैं और टाइम पता लगाने के लिए कुछ और भी चीजें थी। इंडिया की पहली ज्योमेट्रिकली प्लान सिटी पिंक सिटी जयपुर के फाउंडर राजा सवाई जय सिंह द सेकेंड एक महान स्कॉलर और पैशनेट एस्ट्रोलॉजर थे और उन्होंने डिजाइन की थी एक ऑब्जर्वेटरी। 19 यंत्रों वाली इस जयपुर ऑब्जर्वेटरी का नाम है जंतर मंतर, जिसका काम शुरू हुआ था 1720 में और कंप्लीट हुआ 1738 में। जयपुर जो ऑब्जर्वेटरी है आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सिर्फ सिंगल ऐसी ऑब्जर्वेटरी जहां पे आप सन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली कैलकुलेशन कर सकते हैं, आज भी वर्किंग कंडीशन में और एग्जैक्टली वर्क कर रही है। जयपुर का जंतर मंतर एक स्टोन ऑब्जर्वेटरी है। मेटल जो है वो सीजन के हिसाब से श्रिंक और एक्सपैंड होता है, पर स्टोन पर मौसम की मार का कोई असर नहीं होता। इनकी मदद से मौसम, लोकल टाइम, ग्रह नक्षत्रों और ग्रहण जैसी घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। इन यंत्रों से जानकारी पता लगाने के लिए उस जगह का लैटिट्यूड पता होना जरूरी है। लैटिट्यूड एक जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट है जो अर्थ सरफेस पर किसी भी पॉइंट की नॉर्थ साउथ पोजीशन बताता है। लैटिट्यूड 0 से 90 डिग्री के बीच मेजर किया जाता है। पहले इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जयपुर का लैटिट्यूड फाइंड आउट किया गया जो है 27 डिग्री का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है यूपी के मिर्जापुर से, इसलिए उस हिसाब से यहाँ के इंस्ट्रूमेंट से जो टाइम कैलकुलेट होता है उसमें हर दिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। आज का जो टाइम डिफरेंस है वो 20 मिनट है, तो वहाँ पे जो अपन लोकल टाइम चेक करते हैं उसके अंदर 20 मिनट ऐड करने से अपने घड़ी का टाइम आता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर के बिना एक्यूरेसी कैसे मिल सकती है। जानी ये तो कुछ भी नहीं है, आगे देखिए, ये है विराट सम्राट यंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी सन क्लॉक। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। आप यहाँ पर हर 2 सेकंड तक सन की मूविंग पोजीशन को चेक कर सकते हैं। देखो भैया, वृहद सम्राट यंत्र का पिछला हिस्सा जो है ना, दो भाग में बटा है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। एक मॉर्निंग पार्ट है जो 6 to 12 और दूसरा नून पार्ट है जो 12 to 6 है, समझ रहे हो ना। और ये सनडायल में ये नोमन है जिसकी शैडो स्केल पर पड़ती है तो टाइम का पता चलता है, समझे ना। यहाँ पर और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे जयप्रकाश यंत्र जिससे एल्टीट्यूड का पता लगता है, चक्र यंत्र जिससे टाइम का पता लगता है, और क्रांति वृत्त यंत्र जिससे दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन ली जाती है। 19 यंत्रों वाली जयपुर स्टोन ऑब्जर्वेटरी का आज भी वर्किंग कंडीशन में होना सबूत है इंडियंस के बेमिसाल दिमाग और उनकी मेहनत का। मैं सलाम करता हूं उन साइंटिस्ट को जिन्होंने बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आज के टेक्निकल वर्ल्ड को इंस्पिरेशन दी। OMG, ये मेरा इंडिया।